हेलो एवरीवन, सभी मूक बधिर और दिव्यांग जनों को मेरा नमस्कार। आप सबको एक शुभ समाचार बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं, क्लरिकल कैडर में और ग्रुप डी कैटेगरी में, और कुछ अधिकारी वाले पद भी हैं। हाँ, और कोई लिखित परीक्षा नहीं है, सीधा वॉक इन इंटरव्यू से सिलेक्शन हो रहा है। ये जो लगातार संघर्ष है, जो लगातार प्रयास है मध्य प्रदेश के जो मूक बधिर समुदाय ने और सभी दिव्यांग जनों ने लगातार जो प्रयास किए हैं, सरकार ने अपने नीति में परिवर्तन लाए हैं, और ये इसका पूरा श्रेय जाता है मध्य प्रदेश मूक बधिर संघ को, कमलेश डोंगरे, साजू स्टीफन, सतीश गौतम और सनी कचेर को। उन्होंने लगातार पूरी मेहनत से प्रयास किया और सरकार में लगातार अपना रिप्रेजेंटेशन देते रहे, संघर्ष करते रहे, और उसके बाद ये सफलताएं मिलना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में ये पहली बार, पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पे मूक बधिर और सब दृष्टि दिव्यांग, सभी दिव्यांगों की बहुत बम्पर भर्ती हो रही है और सब बहुत एक्साइटेड है, मैं कहाँ फॉर्म डालूँ, मैं कहाँ फॉर्म जमा करूँ। और ये बहुत सालों के बाद मैं बधाई देता हूँ सारे मध्य प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को और मूक बधिर समुदाय को। ये मैं बताना चाहता हूँ, इसी तरह का एग्जाम्पल पूरे मध्य प्रदेश की तरह पूरे भारतवर्ष में फॉलो किया जाना चाहिए। सभी जो मूक बधिरों के संघ हैं उन सबको प्रयास करना चाहिए। विश्राम करने का समय नहीं है दोस्तों, यह समय है जो मध्य प्रदेश ने कर दिखाया पूरे भारतवर्ष में। दिव्यांग जनों की विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ हुआ, ऐसा अभियान पूरे भारत में हो। ये एक जैसे हम बीज रोपण करते हैं ना, एक दिन में नहीं भाई वृक्ष बनता, उसमें समय लगता है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग जनों ने इसकी इबारत बहुत समय पहले लिखी, लगातार प्रयास और उसके बाद फिर सफलता। ये जो बात है कहाँ से आई मैं बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में ही इंदौर हाई कोर्ट में नीलेश सिंघल बनाम मध्य प्रदेश शासन केस चला था, और उस केस में मैंने जब देखा कि मैंने 2010 में वकालत की पढ़ाई की, और फिर मैंने अनिल त्रिवेदी जी जो सीनियर एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, मैं आशीष चौबे जी के साथ मिलकर प्रयास किया, और ये प्रयास बहुत सालों से चल रहे थे। पहले अस्थिबाधितों को बहुत आसानी से रोजगार मिलता था, दृष्टि दिव्यांगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन मूक बधिरों को नहीं मिलता था। और अब पूरा सीन बदला है, हमें गर्व है मध्य प्रदेश के सभी मूक बधिर समुदाय के ऊपर, दिव्यांगजनों के ऊपर। मुझे अच्छे से याद है कि हम लगातार कई वर्षों तक भोपाल में, विदिशा में, जगह जगह हमने पूरे प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन दिए, लगातार संघर्ष किया, हजारों की तादाद में मूक बधिर और दिव्यांगजन शामिल हुए, और इसी कारण से यह सब सफलता मिल रही है। इंदौर हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कहा कि सीधी भर्ती वॉक इन इंटरव्यू से होगी। जब डॉक्टरों की वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती हो सकती है, तो दिव्यांगजनों की भर्ती इंटरव्यू से क्यों नहीं हो सकती, इंदौर हाईकोर्ट का वही आदेश। और उसी को फॉलो किया जबलपुर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल खंडपीठ ने, और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय श्री एस के रुंगटा साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो स्वयं दृष्टि दिव्यांग हैं, उनके लिए क्लैपिंग करना चाहेंगे। उन्होंने पूरे भारत के ब्लाइंड लोगों के लिए जो काम किया है वह जबरदस्त है। उन्होंने जबलपुर में आके वकालत की और ब्लाइंड लोगों का रिजर्वेशन शुरू के लिए भर्ती अभियान की बात हुई। इसी समय बल्लभ भवन में उप सचिव और शीलेन सिंह साहब और प्रमुख सचिव साहब के पास जाकर मुलाकात हुई, उन तब हमने अपनी बात भी रखी, तब उन्होंने बताया कि ब्लाइंड नहीं, दिव्यांग और मूक बधिर सबके लिए होगा। तो यही बात जो है सामने आई, और ब्लाइंड, मूक बधिर और अस्थिबाधित सबकी विशेष भर्ती होगी,
और जब मैंने ये वीडियो डाला था दोस्तों, तो सभी लोग ये मुझे कॉल कर रहे थे, क्या ऐसा होगा, क्या ये कोई सपना तो नहीं है। और आज जो लगातार भर्ती चल रही है, सब मूक बधिर लोग वीडियो कॉल करके दिव्यांगजन कह रहे हैं, सर ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही थी। और मुझे इसलिए मुझे मालूम है कि मैं वकालत करता रहा हूँ मूक बधिरों की, दिव्यांगजनों की, और इंदौर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट सारे ऑर्डर्स को चेज कर रहा था। तो ये बात सभी मूक बधिर लोगों को, दिव्यांगजनों को जो एक शंका थी वह निकल गई, और ये लगातार बम्पर भर्ती चालू है, और ये बात बिल्कुल सही निकली। मध्य प्रदेश का मूक बधिर समुदाय और सभी दिव्यांगजन समुदाय प्रफुल्लित हैं। पूरे हिंदुस्तान में अब समय है जो मूक बधिर हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके जो संगठन हैं, जो संघ हैं, उनके लिए समय आ गया है, वह भी प्रयास करें। और भारत के तरह पूरे मध्य प्रदेश की तरह भारत के मूक बधिर ये रोजगार पाएंगे, दिव्यांगजन रोजगार पाएंगे, तब हमें लगेगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने का महत्व है। और हम लोग मनाते तो आए थे लेकिन खुशी नहीं थी, क्योंकि रोजगार नहीं था, बहुत सारी शिक्षा में दिक्कतें थीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मूक बधिर समुदाय पर हमें गर्व है। भारत का जो मूक बधिर समुदाय है वह प्रयास करे, लगातार प्रयास करने पर मैं सनी कचेर, सतीश गौतम, कमलेश डोंगरे, साजू स्टीफन और जो लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के, जो मूक बधिर संघों के, उन सबको धन्यवाद। और रीवा संभाग, विंध्य क्षेत्र की क्या तारीफ करूं, जो संघर्ष की इबारत लिखी है विंध्य की धरती के में उपजे मूक बधिरों ने, लगातार जो प्रयास किए, आज भर्ती विशेष चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश के जो मूक बधिर हैं, सागर हो या कोई से भी स्थान हो, पूरे निष्ठा के साथ मूक बधिरों ने लगातार संघर्ष किया है, आज हम लोग बहुत खुश हैं। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू तो हो रहे हैं, लेकिन इस बात का देखें कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है, कहीं वह नकली मूक बधिर बनकर तो नौकरी हासिल नहीं कर रहा है, नकली दिव्यांगजन तो नहीं बन रहा है, उसकी शिकायत करें, उनको हटवाएं, और जो वास्तविक रूप से मूक बधिर हैं उनकी नौकरी लगाना है दोस्तों। और मुझे आशा है कि हमारी तरक्की होगी और हमारा मूक बधिर समुदाय भारत में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।